हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल ज्योतिषम एस्ट्रो ट्रुथ्स, द एस्ट्रोलॉजी एजुकेशन रिसर्च एंड काउंसलिंग। ये है ट्यूटोरियल वीडियो टू लर्न बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी नंबर 35। इसके पहले ट्यूटोरियल वीडियोस नंबर लेक्चर नंबर 1 to 34 तक आई हैव अपलोडेड। आप सभी ये वीडियो देखने से पहले उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लें, ताकि आपको आगे का सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आए। आज इस वीडियो पे बात करेंगे हाउस नंबर 12 के बारे में, हमारी कुंडली का हाउस नंबर 12। आप सभी को पता होगा कि हाउसेस की सीरीज़ चल रही है, ये हाउसेस पर लास्ट वीडियो है। इसके बाद कुंडली विश्लेषण कैसे करना चाहिए, उस पर वीडियोस की सीरीज मैं अपलोड करूँगी। हाउस नंबर 12, इसे एक शब्द में बोला जाए तो वह भाव बोला जाता है। हमारे भाव का, कुंडली में पूरे 12 भाव का, जो भी हर एक भाव का जो भी 12वां स्थान होता है, वो उस भाव का व्यय भाव होता है। हमारे लिए व्यय भाव लग्न से हम खुद के बारे में देखते हैं, हाउस नंबर 1 से, तो हमारा व्यय भाव हाउस नंबर 12 है। इसी तरह से अगर धन भाव का व्यय भाव देखना है तो वो हाउस नंबर 3 होगा। इसी तरह से सुख भाव का व्यय भाव देखना है तो वो हाउस नंबर 5 होगा। तो 12 नंबर भाव को व्यय भाव कहा जाता है। ये मोक्ष प्राप्ति का भाव है, ये आइसोलेशन का भाव है, ये डिटैचमेंट का भाव है, ये सिंपथी का भाव है, यहाँ से हम दया भावना देखते हैं, लाइफ आफ्टर डेथ, क्योंकि ये मोक्ष का भी भाव है, तो लाइफ आफ्टर डेथ आपकी कैसी होगी, आप कहाँ जाएंगे, क्या प्राप्त करेंगे, वो भी देखा जा सकता है। यहाँ से हम हमारे खर्चे देखते हैं, मेन तौर पर हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस और हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटलाइजेशन होता है, जब भी अंत समय आता है अधिकतर हम हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, हम बीमार होते हैं, हम बहुत खर्चे होते हैं, उसके बाद हमें मोक्ष प्राप्ति होती है। तो ये लाइफ का एंड है, ये वाला भाव लाइफ का एंड है और पहला वाला भाव लाइफ की शुरुआत। ये भाव हमारे लग्न से 12वां है, हमारे स्पाउस हाउस से 6वां है, दैट इज़ हाउस नंबर 7th। हाउस नंबर 7th से ये 6वां है, यानी कि अगर आपको आपके स्पाउस का रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, मुकदमा, जॉब देखना है तो आप 12th हाउस से भी चेक कर सकते हैं। ये 9th से 4th है, पिताजी का सुख भाव, आप अपने पिताजी का सुख भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये 8th है फ्रॉम संतान भाव, पंचम से ये 8th है संतान का दुख, दिक्कत, परेशानियाँ, डीप सीक्रेट्स, आप इस भाव से चेक कर सकते हैं। सबसे मेन ये भाव इम्पॉर्टेंट भी है, यहाँ से फॉरेन सेटलमेंट देखते हैं, किसी को फॉरेन में सेटल होना है तो क्या 12th हाउस लॉर्ड का प्रभाव पॉजिटिव है, क्या ये योग अच्छा बन रहा है, ये हमको चेक करना चाहिए। 12th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट अच्छी होगी, अच्छे ग्रहों के साथ प्लेस्ड होगा, तब ही हमको 12th हाउस के रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलेंगे। ये भाव जेल यात्रा का भी है, यहाँ से जेल यात्रा, इम्प्रिजनमेंट देखा जाता है। ये भाव शैया सुख का भी है, दैट इज बेड प्लेजर। ये भाव आपको शादी के बाद शैया सुख प्राप्त होगा, संतान उत्पत्ति अच्छे से होगी, इस सब चीज़ों के लिए भी हम 12th हाउस लॉर्ड, 12th हाउस का स्थिर कारक देखते हैं। बॉडी पार्ट पे अगर हम आएँ तो
बॉडी पार्ट की अगर हम बात करें तो 12th हाउस से फीट भी देखा जाता है, हमारा पैर 12वें भाव में काल पुरुष कुंडली के अनुसार 12वीं राशि होती है, तो 12वें भाव के काल पुरुष कुंडली के अनुसार कारक गुरु भी बनते हैं, और काल पुरुष कुंडली के अनुसार 12वें भाव में शुक्र देवता उच्च के होते हैं। 12वें भाव का कारक केतु, क्योंकि केतु मोक्ष के कारक हैं, वो भी हैं। 12वें भाव के कारक शनि, क्योंकि शनि भी दुख के कारक, यहाँ से हम हमारा व्यय की वजह से मिलने वाला दुख, जेल यात्रा से मिलने वाला दुख देखते हैं, इसीलिए इस भाव के मेन कारक कालपुरुष कुंडली के अनुसार जुपिटर होंगे। इस भाव में उच्च के ग्रह शुक्र होते हैं, इस भाव के कारक केतु भी हैं और शनि भी हैं। तो गाइस ये था 12th हाउस के बारे में। अभी तक मैं आप सभी को नक्षत्र के बारे में, राशियों के बारे में और भाव की ये सीरीज चल रही थी, प्लैनेट्स के बारे में ये सब बता चुकी हूँ। अभी बेसिक्स मेरे हिसाब से लेक्चर नंबर 1 से 35 तक आप अच्छे से देखेंगे अगर सीरीज वाइज। अगर आपको नहीं मिले या कोई दिक्कत आती है आप कॉल करिए, आप व्हाट्सअप करिए, आपको कोई डाउट है लेक्चर्स के रिगार्डिंग तो भी आप कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। तो अभी तक ये सीरीज़ हाउसेस की पूरी हो गई। इसके बाद हॉरोस्कोप रीडिंग करनी कैसे चाहिए उसके नियम पर मैं वीडियोस बनाऊंगी, वो वीडियोस भी 5 to 8 वीडियोस बनेंगे। उसके बाद दूसरी सीरीज़ के बारे में मैं आप सबको बताऊंगी। अगर किसी को भी अच्छी तरह से प्रोफेशनली करियर बनाने के लिए एस्ट्रोलॉजी सीखनी है वो ज़रूर संपर्क करें। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट किस पर है। तो और कुंडली विश्लेषण करवाना हो आपका, आपकी फैमिली का, तो भी आप कॉल, व्हाट्सएप, ईमेल कुछ भी कर सकते हैं, डिटेल्स सामने हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।